व्हाट डू वी मीन बाय मोमेंट टू मोमेंट सर्चेस, इसके बारे में बात करते हैं कि जब हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने टाइम की अहमियत को जानें, हर लम्हे का सही फायदा उठाएं। और इससे क्या मुराद है, माइंड टू माइंड सर्च कैसे की जाती है, एक स्लाइड दिखाती हूं। डेनियल कैनमैन वैल्यूज द करेंसी दैट इज टाइम। He was a psychologist, but he won Nobel Prize in the subject of economics in year 2002 on his concept that time is currency. Iski paise ki tarah hifazat kare. Kaise currency hai ye? Wo ye kehta hai ki agar din aur raat ke 24 ghante hain, 8 ghante nikal dein neend ke liye, kyunki yahi kehte hain na 8 ghante sona chahiye, baki reh gaye 16 ghante. 16 घंटे में आप क्या करते हैं, आप इसका हिसाब रखें, इसका हिसाब दें अपने आप को। सो ही मेंटेन्ड दैट अ चाइल्ड कैन मूव ऑन टू एक्सपीरियंस इट ऑल विदाउट एनी एनालिसिस पैरालिसिस। एक बच्चा जो है वो कैसे मोमेंट टू मोमेंट सर्च करता है एंड ही डज नॉट सफर फ्रॉम एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस पैरालिसिस क्या है कि आप ये सोचने लगते हैं कि हाँ मुझे ये जो मैं चीज देख रहा हूँ, देख रही हूँ, करना है कि नहीं करना, इस पर तवज्जो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। सो कंटिन्यूअली यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस पैरालिसिस। आप इस पैरालिसिस का शिकार हैं कि आप अपने आप को सोचने लगते हैं वेदर यू शुड इंडल्ज योरसेल्फ इन मोमेंट टू मोमेंट सर्च एंड एक्सपीरियंस आर नॉट। और वो ये कहता है कि अगर आप एक बच्चे को देखें, 3 साल के बच्चे के साथ आप जरा गार्डन में निकल जाए, द चाइल्ड विल अटेंड टू every stimulus that is there, और moment to moment change होती है उसकी कैफियत। कभी जो है वो बच्चा कहता है एकदम फूल पकड़ लेता है, उसके बाद जो है वो जमीन पर पड़ी हुई कोई चीज देखने लगता है, आगे चलता है उसे झाड़ियों में कोई चीज नजर आ जाती है, फिर वो आसमान की तरफ देखने लगता है। So the child is totally engrossed in the overall experience of his life. उसके बरक्स जो है अगर हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, अक्सर मैंने लोगों से सुना है कि आज तो मॉर्निंग वॉक में मैं ये पॉइंट सोचता रहा या सोचती रही, तो आप ना तो लुत्फ उठाते हैं ठंडी हवा जो चल रही है, सर्दियों की ठंडी हवा नहीं, थोड़े अच्छे प्लेजेंट मौसम की ठंडी हवा, सर्दियों की धूप में आप फिर रहे हैं, लेकिन हम ये सोच रहे होते हैं वो मेरा एग्जाम है, मैंने ये सवाल किया है कि नहीं किया, अब मुझे क्या करना चाहिए। सो वी हैव रिजिड माइंड सेट, वी आर नॉट सिचुएटेड इन द प्रेजेंट, सो वी आर नॉट एंजॉइंग the life experiences that we are having at that moment. This is meant by moment to moment search. Aur usse kaise aap contentment aur enjoyment hasil kar sakte hain. Main aksar happiness ke lectures jab deti hu to main ye kehti hu ki please jab koi act kar rahe ho, jab koi kaam kar rahe ho jo aapki dilchaspi ka hai to usme puri tarah involve hoge kare. Morning walk kare to sabze ko dekhein, phoolon ko dekhein, smell kare, फील एवरी सेंसेशन, जो हवा चल रही है वो कैसे आपके जिस्म को टच करके आपको एक राहत बख्श रही है, उसका अगर आप फील करेंगे तो एक और मजा है, नहीं फील करेंगे तो वो है तो वही, लेकिन आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। सो एक्सपीरियंस एवरी मोमेंट इन योर लाइफ। इसी तरीके से मैं ये कहती हूँ कि लोगों को जब वो वॉक कर रहे हैं तो इतनी खूबसूरत ग्रीनरी, उसको हम ऐसे ब्लैंकली देखते हैं, इट्स नॉट लाइक grasping that element from the environment. जो blankly देखना है वो उसको पूरी तरह से आपको महसूस नहीं होने देता। So keep your all senses open, smell करें, feel करें, listen करें और visualize करें। इसी तरह से जो है वो garden में परिंदों की आवाज़ें सुबह के वक्त इतनी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन मैंने खुद अपने साथ भी नोट किया है कि मैं हमेशा ये तहिया करती हूँ जब कभी वॉक करूँ कि आई विल बी पेइंग अटेंशन टू एवरी काइंड ऑफ स्टिमुलस इन माय एनवायरनमेंट एंड इट कुड चेंज फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट। लेकिन होता मेरे साथ भी यही है कि मुझे कोई ना कोई दिन को मसला दरपेश होता है, या एज सच मसला नहीं है, लेकिन मैंने कोई काम करना है तो मैं सोचती जाती हूँ और बस ऐसे ब्लैंकली बंदा चल रहा है जैसे कुछ नज़र नहीं आ रहा, और सोचती हूँ अच्छा आज मुझे जो है वो ये पीरियड पढ़ाना है, उसका लेक्चर तैयार है, उसके बाद फलां से आज मीटिंग है, शाम को फिर ये करना है, और औरतें तो ये भी सोचती हैं आज क्या पकाना है,
बाज़ूकात हम ये भी सोचते हैं कि फलां शख्स ने मेरे से लड़ाई की हुई या कितना बुरा शख्स है वो, मैं उसका बदला कैसे उतारूं, अब मैं भी इसको जलील करूंगा या करूंगी। तो इस तरह की बातें जो हैं जब हम सोचते हैं तो फिर मॉर्निंग वॉक का जो सही कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाता है। और यहाँ मिसाल सिर्फ मॉर्निंग वॉक की दे रही हूँ, लेकिन मिसालें तो बहुत सारी हो सकती हैं। मैं तो ये भी कहती हूँ अगर फिल्म देखें तो उसको भी दिल लगा कर देखें, अगर आपकी पसंद की फिल्म है। उसमें ये नहीं उठ के आप बार बार जा रहे हैं, फिर किसी से बात कर रहे हैं, फिर न्यूज़पेपर उठा लेते हैं, फिर चैनल चेंज कर देते हैं, फिर थोड़ी देर लेट जाते हैं, उठ जाते हैं, वो फिर वो बात नहीं बनती। तो हम बात कर रहे थे डेनियल कैनमैन की, एंड ही एज आई स्टेटेड बिफोर ही वॉज अ पर्सन ऑफ साइकोलॉजी बट ही गॉट नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स एंड ही सेड दैट टाइम इज करेंसी। और उसने ये क्या कहा है कि अ डे कैन बी स्पेंट इन अ रिचर लाइफ एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग मोर नॉवल्टी मोर एब्जॉर्प्शन एंड अटेंशन टू द सेक्रेड। और कैसे कैसे आप ये कर सकते हैं, ही सेड देर आर 16 आवर्स इन अ डे रेस्ट के अलावा, एंड देर आर 20,000 मोमेंट्स ऑफ 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स के 20,000 मोमेंट्स हैं इन अ 16-आवर डे। यू कैन यूज दीज 20,000 मोमेंट्स फॉर एनहेंसिंग योर पॉजिटिव एबिलिटी। अब देखिए आपके पास 20,000 मोमेंट्स हैं रोज, हर मोमेंट उसने कहा एक नया एक्सपीरियंस होता है अगर हम सोचें, लेकिन हम ब्लैंकली ये 16 घंटे रोज गुजार देते हैं और सोचते भी नहीं हमने इसमें क्या किया है, क्या एक्सपीरियंस किया है। सो दीज 20,000 मोमेंट्स अकॉर्डिंग टू हिम कैन बी स्पेंट इन एनहेंसिंग आर पॉजिटिव एंड रिड्यूसिंग आर नेगेटिव। दीज 20,000 मोमेंट्स कैन बी स्पेंट इन बींग क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव and then being helpful pro-social to other people. बहुत से कामों के लिए 20,000 moments जो हैं daily गुजारे जा सकते हैं। और यही मुराद है इस section से कि आप कैसे अपने moments की तरफ तवज्जो देकर you can become focused, engrossed in the situation and you can also become sacred, spiritual भी हो सकते हैं, in a kind of state of फ्लो और एंगेजमेंट भी हो सकते हैं, एंड यू आर मोर फोकसिंग ऑन मोमेंट टू मोमेंट नोवेल्टी ऑफ योर प्रेजेंट लाइफ एनवायरमेंट। अब इस सिलसिले की पहली कड़ी है माइंडफुलनेस, द अदर वंस आर फ्लो एंड स्पिरिचुअलिटी। तो व्हाट इज माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस इज अ रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट, लेकिन ये इतना नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे मिलती जुलती बातें सदियों से हो रही हैं। Buddha talked about your personal awareness. और बाज लोग ये समझते हैं कि mindfulness जो है ये Buddhist concept है, but as such it is not a Buddhist concept. In every kind of religion, mindfulness is involved. हम नमाज में concentrate करते हैं, हम जब mindfulness की बात इस्लाम में करते हैं, meditation की बात करते हैं, as such mindfulness की नहीं करते। तो उसका मकसद ये होता है टू फाइंड ट्रूथ, टू बी नियर टू गॉड, क्लोज हो जाएं आप गॉड के। आप जब कोई आयत पढ़ते हैं, कोई विर्त कर रहे होते हैं, या नमाज ही पढ़ रहे होते हैं, इबादत कर रहे होते हैं, तो कैसे आप खुदा का कुर्ब हासिल कर लेते हैं? तो माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली ज़्यादातर हमें ईस्ट में मिलता है। It is more abundantly found in Eastern traditions and religions, लेकिन उसके साथ साथ ये जो है ये हम हर जगह Western, Eastern philosophy में इसका element हमें predominant नज़र आता है। The current day mindfulness refers to your personal awareness, और psychologists ये कहते हैं कि that kind of personal awareness would lead to concentration on your negative thinking. और नेगेटिव थिंकिंग की जब आप बात करते हैं तो फिर जब आपको पता चल जाता है कि ये मेरी नेगेटिव थॉट्स हैं, तो फिर आप उससे छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। एंड दीज काइंड ऑफ आइडियाज आर वेरी मच प्रैक्टिस्ड इन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दैट यू कम टू नो बाय कंसंट्रेटिंग ऑन योर थॉट अबाउट योर नेगेटिव एंड इरेशनल बिलीफ एंड देन यू आर गोइंग टू मॉडिफाई रीस्ट्रक्चर दैम। सो माइंडफुलनेस इज कंपेरेबल टू एज ओल्ड प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग अवेयरनेस।
आपकी करंट की माइंडफुलनेस एक वर्ड बोला जाता है, लेकिन बहुत मुद्दत से हर मजहब में, हर कल्चर में, फ्रॉम टाइम टू टाइम द रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैव बीन डिस्कस्ड एंड टॉक्ड अबाउट. Langer's definition that was provided in year 2002, and she wrote that definition after 25 years when she conducted a research on residents of old homes, jo residential colonies bahar bani hoti hain older people ke liye, unme jo residents rehte the, older residents, un par ye study hui. और उस स्टडी ने उसकी रिसर्च जो थी वो माइंडफुलनेस की तरफ ही मोड़ दी. देन शी स्पेंट ऑल हर कैरियर इन स्टडिंग माइंडफुलनेस एंड आफ्टर 25 इयर्स ऑफ दिस रिसर्च शी प्रेजेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ हर एक्सपीरियंस दिस डेफिनेशन. और उसके एलिमेंट्स कुछ मैं आपसे डिस्कस करती हूँ. शी पॉइंटेड आउट दैट माइंडफुलनेस इज अ फ्लेक्सिबल स्टेट ऑफ माइंड. So you are open to novelty in your environment. Aapki jo state hai mindfulness ki, isse murad kya hai ki you are open to novelty. Aap static nahi rehte, balki aap jo experiences aapki daily life mein aa rahe hain, unke saath saath chalte hain. You are acquiring moment to moment awareness of your environment. The second thing is that you are sensitive to context and perspective. So when you are mindful, you are not in the rigid mental sets, in the state of rigid mental sets. You are situated in the present, in the context. Ab is waqt jaise ki mujhe jo hai wo lag raha hai ki jaise main lecture de rahi hu, aapse baat kar rahi hu, so मुझे रोशनियों का एहसास है जो मेरे ऊपर पड़ रही हैं, और एक क्वाइटनेस है जो इस माहौल में है. मेरी आवाज़ जो है वो मेरे कानों को जो है वो पहुंच रही है. फिर मैं कुछ मुझे चीज़ें नज़र भी आ रही हैं व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू, और उसका उसके जवाब में मैं मेरा रिस्पॉन्स जो है वो इन सारी चीज़ों से डिटर्मिंड होता है. सिमिलरली आप लेक्चर सुन रहे हैं, यू मे बी एनग्रॉस्ड इन दैट लेक्चर, या मे बी आप कुछ और चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हो और आपका ध्यान जो है वो भटक रहा हो. तो अगर आपका ध्यान भटक रहा होगा, यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंडफुलनेस. बल्कि ये भी कह सकते हैं कि अगर ध्यान भटक रहा है तो वो दूसरी चीजों की तरफ ना जाए विच आर नॉट रिलेटेड विद द प्रेजेंट सिचुएशन. दे आर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एनवायरमेंट. कि आपका ध्यान लफ्जों पर होगा, मेरी आवाज के उतार चढ़ाव पर होगा, जो आप स्लाइड्स देख रहे हैं उन पर होगा, आपकी विजन, हियरिंग और अदर सेंसेशन सारी मिलकर काम कर रही होंगी. सो यू आर सिचुएटेड इन द प्रेजेंट. और उसमें हमारा जो रिजिड माइंड सेट है कि भाई जो बात इस वक्त हो रही है उसकी तरफ ध्यान नहीं है, वो कम होता है व्हेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ माइंडफुलनेस. और करैक्टरिस्टिक क्या बयान की है लैंगर ने, लेट्स सी दैट. बिहेवियर इज गाइडेड नॉट गवर्न्ड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन. नॉर्मली तो हम रूल्स और रेगुलेशन का बहुत सहारा लेते हैं, लेकिन वेन यू आर इन अ स्टेट ऑफ माइंडफुलनेस देन योर बिहेवियर इज नॉट गवर्न्ड बट इट कैन बी गाइडेड बाई रूल्स एंड रेगुलेशन. आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ. जैसे कि कोई शख्स मराकबे में बैठा होता है तो इस तरह की कैफियत होती है. और मराकबे में तो आपको पता है कि बहुत से लोग बैठते हैं टू गेट देयर अवेयरनेस, टू नो अबाउट ट्रूथ, और फिर इसके अलावा मेंटल हेल्थ के लिए भी कहते हैं मराकबा बहुत अच्छा होता है. तो इसी तरह की जो स्टेट है वो माइंडफुलनेस में होती है, लेकिन माइंडफुलनेस के लिए आप तैयारी करके किसी जगह में नहीं बैठते. यू कैन बी इन द स्टेट ऑफ माइंडफुलनेस वेयर एवर यू आर. उसके लिए आपको किसी खास जगह बैठना नहीं पड़ता. अब आपको फोटोग्राफ दिखा रही हूँ इस सिलसिले में. बहुत जो इम्पोर्टेंट रिसर्चर है लैंगर, एलन लैंगर, शी इनफैक्ट कंडक्टेड माइंडफुल लर्निंग हाइपोथेसिस, और शी टेस्टेड दोज हाइपोथेसिस in reference to those children who are having ADHD, attention deficit hyperactive disorder. To usne ye dekha ki kaise mindful learning jo hai wo possible hai aise bachon ke silsile mein. Aur uski ek kitab jo hai is silsile mein kafi mashhoor hai, The Power of Mindful Learning. Ke mindful learning ki power ke sahare aap kya kuch achieve kar sakte hain. Ek bada important question log poochte hain ki
क्या अटेंशन और माइंडफुलनेस एक ही बात है या इन दोनों में कोई फर्क है? एक स्लाइड देखते हैं और इस कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। अटेंशन इज अ स्टेबल फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट आइडिया, किसी चीज के किसी आइडिया के बारे में आप फोकस करते हैं, दैट इज अटेंशन। अभी जो मैंने बात की है आपसे कि आप जब गार्डन में जाते हैं तो आप सही तरह तवज्जो नहीं देते अपनी एनवायरनमेंट पर, अपने कॉन्टेक्स्ट पर, और अपने ध्यान में चले जाते हैं, तो इससे शायद आपको ये लगा हो कि माइंडफुलनेस से मुराद है पेइंग अटेंशन एंड फोकसिंग ऑन समथिंग, सम आइडिया, सम ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है। अटेंशन का मतलब ये है कि आप किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी आइडिया पर फोकस कर रहे हैं, जबकि माइंडफुलनेस जो है वो उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। आप हालांकि फोकस तो कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह एक ही पॉइंट पर फोकस नहीं कर रहे। तो व्हेन वी आर माइंडफुल वी आर एक्टिवली वेयरिंग द स्टिमुलस फील्ड। उसमें तो जैसे भी फील्ड में कोई चीज अट्रैक्ट करती है आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती जाती, जबकि आप जब अटेंटिव होते हैं तो आप ये कहते हैं कि गौर से इसी चीज को देखें और बाकी चीजों पर ध्यान छोड़ दें। इन द स्टेट ऑफ माइंडफुलनेस आप बाकी चीजों पर ध्यान नहीं छोड़ते जो आपके प्रेजेंट में होती हैं। यू आर पेइंग अटेंशन टू द वेरिंग स्टिमुलस एंड यू आर पेइंग अटेंशन टू मोमेंट डिफरेंसेस इन योर एनवायरमेंट। एक मुझे याद आ रहा है एक्सपेरिमेंट, तो इसको मैं नहीं कहूंगी। एक मैंने म्यूजियम देखा बाहर के किसी मुल्क में, साइंस म्यूजियम था और उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज थी, जैसे कि आप अपनी परसेप्शन को टेस्ट करें, आप अपनी अटेंशन को टेस्ट करें। और मुझे बड़ी हैरत हुई कि वहाँ इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स रखे हुए थे जो साइकोलॉजी से रिलेटेड थे, और हमारे साइकोलॉजी के ग्रेजुएट जो हैं वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो आम लोगों के लिए रखे हुए थे। इसका मतलब ये है कि उनके आम लोगों को इन चीज़ों की अवेयरनेस है, जो हमारे यहाँ सिर्फ साइकोलॉजी के पढ़ने वाले जो लोग हैं उनको इसका एक्सपोजर दिया जाता है। का मतलब यह है कि साइकोलॉजी उनकी आम जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीन पर कंप्यूटर की एक टास्क था, मुझे करने से पहले नहीं पता था कि यह टास्क क्या है। तो हदायत यह थी कि ये जो सीन दिखाया जा रहा है मैंने उस पर कंसंट्रेट करना, और मैंने थोड़ी सी उस पर तवज्जो इस तरह दी और मैं देखती रही हूं कि मुझे पर्पस नहीं पता था कि मेरे से कोई सवाल पूछा जाना है बाद में। मैं तो ऐसे ही मुख्तलिफ चीजें टेस्ट करते हुए वहां बैठ गई और मैंने कहा कि लेट्स डू दिस। अब वो मैंने एक सीन देख लिया, उसके बाद मेरे से सवाल किया गया कि जी ये जो अभी सीन दिखाया था उसमें ऐसे सीन जब गुजर रहा होता है, आपको एक कमरा दिखाते हैं तो कैमरा जो है वो फोकस करता है दीवार पर, फर्नीचर पर, और उसके अंदर कोई लोग बैठे हुए हैं, तो उस पर जी क्लॉक पर टाइम क्या था? मुझे बिल्कुल पता नहीं चला कि क्लॉक पे टाइम कितना था, मैंने तो उसको बस ब्लैंकली देखा। अगला सवाल ये था कि सोफे का रंग क्या था? मैंने सोफा देखा था पर उसका रंग नहीं देखा था। सो दैट वॉज इन फैक्ट अ स्टेट ऑफ माइंडलेसनेस ऑन माई पार्ट। अगर मैं सही तरह से देखती तो मैं ऑब्जर्व करती, परसीव करती, तो मुझे पता चलता क्लॉक दिखाया तो उस पर 10 बजे हुए। आगे चल के मैं सोफा देखती तो फिर मैं उसका कलर देखती, रादर देन इवैल्यूएटिंग कि भाई दैट इज अ नाइस सोफा, बैड सोफा। मैं इवैल्यूएटिव नहीं होती माइंडफुलनेस में, उसमें ये देखती हूँ कि व्हाट इज द सेंसेशन, व्हाट हैज बीन प्रेजेंटेड टू मी एंड गेटिंग अ फुल आइडिया ऑफ दैट। और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग अगला एक्सपेरिमेंट कि भाई मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी लिमिटेड है, उससे मुझे अंदाजा हुआ कि जब मैं चीजों को देखती हूँ तो शायद मैं सही तरह से नहीं देखती। और जब मैं मॉर्निंग वॉक की बात कर रही हूँ फिर तो मैं इंटेंशनली कोशिश करती हूँ कि जो स्टिमुलस हैं मुख्तलिफ, खास तौर पर ऐसे स्टिमुलस जो कि आपके लिए बेहतर होते हैं, जैसे फूल, पौधे, परिंदों की आवाज़ें, तो उन पर कंसंट्रेट करूँ। अगर मैं ये इंटेंशनली ना सोचूँ तो मैं ऐसे ही ब्लैंकली गुजरती जाऊँगी और वॉक करके घर चली जाऊँगी और कभी भी मुझे वो सही तरह से एक्सपीरियंस नहीं हो सकेगा जो कि होना चाहिए। Another thing is that mindfulness is not controlled processing. It is not controlled by your rigid sets. It is not controlled by rules and regulations. It is here and now. Whatever is happening now, you are concentrating on that
and that is different from the concentration that is required in attention, you could be varying your attention from one to another object and then to another object. Another thing is that mindfulness generates novelty. तभी तो इससे नॉवल्टी पैदा होती है कि आप एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में कदम रख रहे हैं. आप एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं फिर दूसरा एक्सपीरियंस कर रहे हैं. अभी मैं फूलों की खूबसूरती को ग्रेस्प कर रही हूँ, कहती हूँ कि कितनी नाजुक इनकी स्किन है, कितना खूबसूरत कलर है, और साथ ही मुझे परिंदे की आवाज़ आती है, मैं कहती हूँ वो कितनी प्यारी आवाज़ है, मेरे कानों को कितनी भली लग रही है, साथ ही ठंडी हवा चलती है और मैं उसकी फील जो है अपनी स्किन पर महसूस करती हूँ और मुझे तरोताजगी का एहसास होता है. सो इनफैक्ट दिस इज मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस ऑफ आर एनवायरनमेंट.